Namaskar, Uber a video. Uber is the most ethically challenged company in Silicon Valley. The story of Uber is littered with scandals and controversy at every single turn. This is more global. It's diversified. Bike sharing, scooters, Uber Freight, air taxis. and even its own autonomous driving technology. When you look at Uber, you're really betting on the future of transportation. जो लोग ऊबर के बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि आपने स्मार्टफोन ऐप आप पर ऊबर के जरिए टैक्सी मंगाई और टैक्सी आपके सामने आकर खड़ी हो गई तो उबर कंपनी ने वो टैक्सी भेजी होगी लेकिन ऐसा नहीं होता ऊबर अपनी तरफ से कोई टैक्सी ओन नहीं करता है ऊबर बस एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है एक स्मार्टफोन ऐप है जिसका काम है ड्राइवर्स को राइडर्स से मिलाना यानी वो लोग जो अपनी गाड़ी को एस टैक्सी इस्तेमाल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो टैक्सी की सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं राइडर्स इन दोनों को एक दूसरे से इस ऐप के जरिए मिलाना अब देखा जाए तो आमतौर पर नॉर्मल टैक्सी को इस्तेमाल करना इससे भी ज्यादा आसान है घर से बाहर निकलो टैक्सी पकड़ो ऐप की क्या जरूरत पड़े उबर का रोल वहां आता है जहां पर टैक्सी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती अगर आपके आसपास टैक्सीज नहीं है कहीं पर तो स्मार्टफोन के जरिए टैक्सी आप अपने घर पर बुला सकते हो एक ऐप के जरिए इससे पहले आपको फोन करना पड़ता था अलग अलग देशों में जाते अलग अलग शहरों में जाते वहां पर अलग अलग टैक्सीज के नंबर होते तो इन सारी चीजों को इस एक ऐप ने सिंप्लीफाई कर दिया और साथ ही साथ कुछ नए लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे दी टैक्सी ड्राइवर बनने की अगर किसी को पार्ट टाइम थोड़े और पैसे कमाने हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए टैक्सी ये अपॉर्चुनिटी पहले अवेलेबल नहीं थी उबर से आमतौर पर टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए कई सारी परमिशन कई सारे लाइसेंसिस लेने पड़ते थे डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से देश में कौन से शहर में कई बार गाड़ी को कमर्शियल रजिस्टर में भी रजिस्टर कराना पड़ता था स्पेशल लाइसेंस प्लेट भी लेनी पड़ती थी ये सारी जो झंझट थे इसको लेकर वो खत्म हो गए और इन झंझटों में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती थी वो कॉस्ट भी कम हो गई अब ये कॉस्ट कम होने की वजह से उबर कम प्राइस पर अपनी टैक्सी सर्विसेज ऑफर कर पाया अब आमतौर पर नॉर्मल टैक्सीज में मीटर को देखकर प्राइस कैलकुलेट किया जाता है लेकिन उबर का अपना एल्गोरिथम है यह बताने के लिए कि एक टैक्सी राइड की कॉस्ट कितनी पड़ेगी और ये अपने आप में काफी इनोवेटिव है अपने टाइम के लिए इनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है पहले इनका बेस फेयर है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं ऊबर में उबर एक्स है ऊबर एक्सएल है ऊबर ब्लैक है प्लस कॉस्ट पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस कॉस्ट पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये जो कॉस्ट पर किलोमीटर है और कॉस्ट पर मिनट है ये हर लोकेशन के लिए उबर ने अलग अलग डिसाइड कर रखी है क्योंकि कंट्री टू कंट्री शहर टू शहर दाम अलग अलग होते हैं चीजों के और फिर बड़े ब्रैकेट्स डालकर यहां पर है सर्ज मल्टीप्लायर यानी इन तीनों पार्ट को एडअप करके जो कॉस्ट निकलेगी उन्हें सर्ज मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसके बाद आती है कुछ बुकिंग फीस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो बेसिकली उबर अपने लिए चार्ज कर रहा है जो भी उबर के लिए खर्चा पड़ रहा है उसे ब्रेक इवन रखने के ये सर्ज ये जो सर्ज प्राइस आउट किया तो इन्होंने ये देखा कि कुछ जगहें ऐसी होती जहां पर ड्राइवर्स बहुत ज्यादा लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर राइडर्स बहुत ज्यादा बैलेंस कैसे किया जाए अगर वहां पर ज्यादा ड्राइवर्स रहेंगे इस लोकेशन में ज्यादा राइडर्स रहेंगे तो इन राइडर्स कोई ड्राइवर नहीं मिल पाएगा और उन ड्राइवर्स कोई राइडर नहीं मिल पाएंगे हमें यहां पर दोनों को एक दूसरे से मिलाने का काम करना है ये उन्होंने कहा कि हम करते हैं सर्च प्राइजिंग का इस्तेमाल करके इन्होंने कहा हम पूरे मैप को यहां पर नक्शे को अलग अलग हेक्सगन में डिवाइड कर देंगे और फिर हम हर एक हेक्सगन शेप में देखेंगे कि कहां पर राइडर्स ज्यादा हैं कहां पर ड्राइवर्स ज्यादा हैं जिस हेक्सगन में राइडर्स ड्राइवर से ज्यादा हो वहां पर हम सर्ज मल्टीप्लायर लगा देंगे प्राइस में अगर ये मल्टीप्लायर मान लो थ्री एक्स है तो जो आ, टैक्सी राइड लेने का प्राइस है वो तीन गुना ज्यादा बढ़ जाएगा तीन गुना ज्यादा प्राइस एक राइडर के लिए बहुत ज्यादा होता है लेकिन ड्राइवर को उससे मोटिवेशन मिलता है कि इस एरिया में यहां पर इतनी डिमांड है मैं यहाँ पर टैक्सी राइड करूंगा तो तीन गुना दाम मिलेगा मुझे भी यहां पर तो इसलिए ड्राइवर्स उस एरिया में जाएंगे जहां पर राइडर्स ज्यादा हैं ताकि वो डिमांड मीटअप हो पाए और राइडर्स के पास भी ऑप्शन है राइडर्स अगर चाहें तो ज्यादा दाम पे करके इंस्टेंटली उबर ले सकते हैं या फिर वो वेट कर सकते हैं 10-15 मिनट आधा घंटा जब तक उस एरिया में ड्राइवर्स पहुंचते हैं और वो सर्ज मल्टीप्लायर अपने आप कम हो जाता है जब राइडर्स और ड्राइवर्स के नंबर बैलेंस कर जाते हैं एक दूसरे से अब रियलिस्टिकली ये चीज कैसी दिखती है जो शेप्स मैंने बताए थे ड्राइवर्स के लिए ये शेड्स ऑफ रेड येलो ऑरेंज कलर में दिखते हैं जो चीज ज्यादा डार्क रेड कलर की है वहां पर ज्यादा सर्च चलने लग रहा है तो वहां का सर्च मल्टीप्लायर ज्यादा होता है वहां पर ज्यादा प्राइस मिलेगा ड्राइवर्स को तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है एक उबर राइड की कॉस्ट अब जितनी भी ओवरऑल कॉस्ट आती है उसमें से करीब 20 से 25 परसेंट ऊबर अपने लिए कट में ले लेता है और बाकी दाम पे किया जाता है ड्राइवर को इस बेसिक सी कैलकुलेशन को लेकर हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं जैसे कि हाल ही में कहा जा रहा था कि ऊबर ने अपनी रूट बेस्ड प्राइसिंग निकाली है कि कुछ रूट uh, कुछ सड़कें जहां पर ज्यादा ट्रेवल करते हैं लोग उन पे दाम अपने आप ही ज्यादा बढ़ा दिया जाए ताकि उबर ज्यादा पैसे कमा सके इस बेसिक कैलकुलेशन को इग्नोर करते हुए और कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि ऊबर एक्चुअली में लोगों के फ़ोन को देखता है कि लोगों के फ़ोन में कितनी बैटरी है अगर लो बैटरी चल रही है तो वो अपने आप प्राइस बढ़ा देता है उस यूज़र के लिए

मॉडल को कई देशों में एक्सपेंड किया लेकिन उन देशों में क्या जहां पर ज्यादातर लोगों के पास गाड़ियां ही नहीं है अपनी लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते गाड़ियां चलाना उन देशों में तो ड्राइवर्स की सख्त कमी पड़ेगी ऐसे देशों में क्या किया जाए ऐसे देशों के लिए ऊबर ने सोचा कि हमें किसी ना किसी तरीके से लोगों के हाथ में गाड़ियां देनी पड़ेंगी अब या तो लोगों को लोन दिए जा सकते हैं जिसकी मदद से वो गाड़ियां खुद से खरीद लें या फिर हम लोगों को गाड़ियां लीज पर दे सकते हैं रेंट पर दे सकते हैं और इसी सोच से उबर ने उबर एक्सचेंज की शुरुआत करी ऊबर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है और आपको ऊबर में ड्राइवर बनना है तो आप गाड़ी लीज पर ले सकते हैं ऊबर से उसके लिए आपको वीकली रेंट पे करना पड़ेगा उबर को तो आप उनकी गाड़ी का इस्तेमाल करके अपनी कमाई कर सकते हैं और होपफुली आपकी कमाई इतनी होगी कि आप उस रेंट को भी पे कर पाए और आपके पास कुछ प्रॉफिट भी बच जाए बाद में ये प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली उबर के लिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा दो में उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया क्योंकि उबर के लिए इतना रिसोर्सेज मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था अभी तक उबर एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो सिर्फ एक ऐप थी ऊबर कोई गाड़ियां ओन नहीं करती थी लेकिन ऊबर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उन्हें गाड़ियां ओन करनी पड़ रही थी उन्हें गाड़ियों को खरीद के अपने पास रखना पड़ रहा था जिसे वो लीज आउट कर सकते तो इसमें बहुत झंझट था उनके लिए बहुत पैसा लग रहा था उसे वो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे बंद करो हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है हम अपनी ऐप पर फोकस करते हैं और उसी से ही हम आगे अपना बिजनेस मॉडल चलाते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुई अब इसके नए सोल्यूशन के तौर पर उबर ने एक नया मॉडल अपनाया द फ्लीट मॉडल Uber ने सोचा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी है ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास ढेरों गाड़ियां रखी हैं. स्पेशली कार रेंटल कंपनीज ऐसे केसेस में उनकी गाड़ियां हमेशा यूज में नहीं आ रही हैं सोचकर देखो खुद ही कोई एक इंसान जिसके पास तीन चार गाड़ियां रखी हैं घर में आधी से ज्यादा टाइम वो गाड़ियां यूजलेस पड़ी रहती हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये लोग और कंपनी जिनके पास अपनी ढेर सारी गाड़ियां रखी हैं हम इन्हें फ्लीट ओनर्स करके पुकारेंगे क्योंकि इनके पास फ्लीट ऑफ कार्स है हम इन फ्लीट ओनर्स को ड्राइवर्स से कनेक्ट करवा देते हैं ताकि इनकी यूजलेस गाड़ियां वो ड्राइवर्स इस्तेमाल कर सकें अपने पैसे कमाने के लिए और ये बेसिकली रेंट आउट कर दें अपनी गाड़ियां और ड्राइवर्स को और हम यहां पर फिर से वो प्लेटफॉर्म बन जाए जिसके थ्रू ड्राइवर्स और फ्लीट ओनर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे शुरुआत हुई उबर मार्केट प्लेस की जो फ्लीट ओनर्स हैं वो अपनी गाड़ियां रेंट पर दे सकते हैं ड्राइवर्स को जो ड्राइवर्स जिनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है अब ये फ्लीट मॉडल भी दो तरीकों से काम कर सकता है एक तो ये है कि फ्लीट ओनर्स अपनी गाड़ियां रेंट पर दे दे ड्राइवर्स को और हर हफ्ते ड्राइवर को रेंट पे करना पड़ता है फ्लीट ओनर को और जो कमाई होती है उबर की जो कमाई होती है वो एक्चुअली में ड्राइवर के पास जाती है दूसरा मॉडल ये हो सकता है कि फ्लीट ओनर्स अपने खुद के ड्राइवर्स हायर कर लें मंथली तनख्वाह पर कुछ ड्राइवर्स को हायर कर लें फ्लीट ओनर्स उन्हें मंथली सैलरी पे करें और जो ऊबर से कमाई आ रही है वो एक्चुअली में फ्लीट ओनर्स खुद के लिए रख लें ये दोनों ही मॉडल काफी कॉमन है इंडिया में उबर इंडिया के लिए इंडिया में लार्जेस्ट फ्लीट ओनर है एवरेस्ट फ्लीट नाम की एक कंपनी इनके पास हजारों गाड़ियां हैं जो ये लीज आउट करते हैं ऊबर ड्राइवर्स को और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? अभी तक आपको जो भी मैंने समझाया होपफुली समझ में आ गया होगा क्योंकि अब एक स्टेप और आगे सोचते हैं तब क्या होगा जो ये जो ये फ्लीट ओनर्स हैं, अगर ये खुद की गाड़ी ना खरीदे बल्कि आम जनता को कहें कि वो इन्वेस्ट करें गाड़ियां खरीदने में और उनसे ये गाड़ी खुद लीज आउट कर लें और बाद में फिर लीज आउट करा दें ड्राइवर्स को समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं मान लो आपको एक गाड़ी खरीदनी है छह लाख रुपए की लेकिन आपके पास खुद से छह लाख रुपए नहीं है उस गाड़ी को खरीदने के तो आप अपने दस दोस्तों को इकट्ठा करते हो आप सारे दस दोस्त मिलकर साठ साठ हजार रुपए लगा देते हो अपने इस छह लाख की गाड़ी को खरीदने के लिए साथ में अब आप इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हो उबर ड्राइवर बनने के लिए और ऊबर से पैसे कमाने के लिए और क्योंकि आपके बाकी नौ दोस्तों ने आपकी मदद करी थी इस गाड़ी को खरीदने में तो आप उनको रेंट पे कर देते हो हर हफ्ते का जो पहले से आपने डिफाइन कर रखा है और आपने कहा है कि आप तीन साल तक ये रेंट पे करोगे हर हफ्ते इस चीज को कहा जाता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग आमतौर पर जब आप किसी एक बड़ी चीज में इन्वेस्ट करते हो मान लो घर खरीदते हो तो आप खुद से उस पूरे घर को खरीदते हो लेकिन अगर आपके दस दोस्त साथ में मिलकर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे एक ही प्रॉपर्टी एक ही घर में इन्वेस्ट करेंगे तो उसे कहा जाएगा फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग ये प्रॉपर्टी में में भी हो सकती है, और एसेट्स में भी हो हो सकती सकती है है और एसेट्स जैसे कि ये गाड़ियों वाला एग्जांपल करके देखा जाए तो उबर का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है जहां पर लोगों के पास गाड़ियां हैं अपनी खुद की वहां पर उबर एक प्लेटफॉर्म है एक ऐप है जो ड्राइवर्स को राइडर्स के साथ कनेक्ट करती है लेकिन उन देशों में जहां पर लोगों के पास खुद की ज्यादा गाड़ियां होती नहीं है वहां पर उबर एक प्लेटफॉर्म है जो फ्लीट ओनर्स को ड्राइवर्स से कनेक्ट करता है ये फ्लीट ओनर्स कुछ इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं और बड़ी बड़ी कार रेंटल कंपनीज भी हो सकती है मैंने जैसे वीडियो के आपको शुरू में बताया था उस वक्त टैक्सीज हुआ करती थी किसी को टैक्सी ड्राइवर बनना था तो काफी सारे कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कमर्शियल लाइसेंस प्लेट स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती थी वहां पर रेगुलर चेक्स भी करवाने पड़ते थे टैक्सी ड्राइवर्स को तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेट्स

कम हो गई एक आम टैक्सी के कंपैरिजन में और एक ऊबर के टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा पैसे भी मिल पाए एक आम टैक्सी ड्राइवर के कंपैरिजन में शुरुआत की मैं बात करने लग रहा हूं लेकिन जरा सोचकर देखो अगर आम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ऊबर के जरिए और कोई कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं कराना उन्हें कोई स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है लेकिन वहां पर जो एक्चुअल टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन्हें ये सब कराना पड़ रहा है उनके खर्चे ज्यादा आ रहे हैं तो ये क्या लूप होल नहीं हो गया सिस्टम में इसी रीजन को लेकर लोगों ने केस किए उबर के खिलाफ लेकिन उबर अपने ऐप के जरिए इन सारे लॉस को, को अवॉइड करने लग रहा था करने लग रहा था कुछ देशों में ऑब्वियसली क्योंकि कंट्री कंट्री टू डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली exactly क्या लॉ था तो बहुत से देशों में उबर के खिलाफ कोर्ट केसेस हुए इस चीज को लेकर 2010 में जब सैन फ्रांसिस्को की सिटी अथॉरिटी ने केस किया उबर के खिलाफ उसे कहते हुए कि ये इलीगली अपनी टैक्सी सर्विसेज चलाने लग रहे हैं यहां पर उस समय उबर कंपनी का नाम था उबर कैब्स करके तो उबर ने उस केस के रिस्पॉन्स ने कहा कि नहीं हम कोई टैक्सी सर्विसेज ऑपरेट नहीं कर रहे हैं यहां पर हम अपनी कंपनी का नाम बदल डालते हैं उबर कैब से इन्होंने कैब्स हटा दिया और सिर्फ उबर कंपनी नाम बन गया इनका और इन्होंने कहा हम बस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है हम कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है हम टैक्सी से डील नहीं करते हम बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली कई देशों में चल गया कई देशों के कोर्ट्स ने कहा हा सेंस बनाता है ये इसलिए उबर जो कर रहा है ठीक है उन्हें करते रहने दो लेकिन कई देशों में यह आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं बैठा कई देशों के कोर्ट ने कहा नहीं उबर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बल्कि उबर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है 2017 में यूरोपियन यूनियन के टॉप कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि उबर एक्चुअली में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और अब इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर है कि वो इससे कैसे डील करें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि बुल्गेरिया देश में बुल्गेरिया में अगर किसी को टैक्सी चलानी थी तो उन्हें एक प्रोफेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और ऑपरेटिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी जब कोर्ट में केस किया गया उबर के खिलाफ कि उन्हें भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी तो उबर ने देखा कि खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा और कॉस्ट कम नहीं रखी जा सकेंगी तो उबर ने बुल्गेरिया देश को छोड़ दिया उबर ने कहा हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करेंगे बुल्गेरिया में अप्रैल 2017 में डेनमार्क देश में अथॉरिटीज ने कहा कि आमतौर पर जो टैक्सीज चलती हैं सड़कों पर उनमें मीटर लगा होता है अगर उबर को टैक्सी चलानी अपनी तो उन्हें भी इसी मीटर के साथ काम करना पड़ेगा जहां पर सरकार डिसाइड करती है कि मीटर का प्राइस क्या होता है तो अब उबर खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकता था कि प्राइस क्या होगा एक टैक्सी राइड का तो यहां पर भी उबर काम नहीं कर पाया उबर बाहर गया इस देश से सेम चीज जर्मनी में भी हुई उबर के साथ इन पर सवाल उठाएगा कि मान लो किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा आमतौर तो पर कंपनी के किसी इंप्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी इंश्योर कर कर रखती है उन वर्कर्स को लेकिन इस केस में तो यहां पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम कर रहे थे ड्राइवर्स बिचारे ड्राइवर्स जो अपनी थोड़ी सी कमाई बढ़ाने के लिए गाड़ी चलाने लग रहे हैं अब इनके साथ इतना भयानक एक्सीडेंट सारा खर्चा इन्हें खुद उठाना पड़े ये बहुत ही अनफेयर चीज है इसके रिस्पांस में उबर ने कुछ जगहों पर यह चालू कर दिया है कि अब वो अपनी तरफ से ड्राइवर्स को इंप्लॉय कर रहे हैं उन्हें इंश्योरेंस दे रहे हैं उन्हें अच्छी सैलरी दे रहे हैं और उनको सही लाइसेंस भी दिला रहे हैं एक आमतौर पर जो टैक्सी ड्राइवर को मिलता है और फिर वो अपनी सर्विसेज चलाने लग रहे हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ढेर सारे लीगल चैलेंजेस को फेस करना पड़ा उबर को एक 2014 में रेप केस हुआ उबर गाड़ी के अंदर तो उसके बाद सरकार ने उबर पर बैन लगा दिया ये कहते हुए कि उबर ना तो पैसेंजर्स की सुरक्षा को देख सकता है यहां पर ना ही ड्राइवर्स की सुरक्षा ढंग से कर सकता है इस बैन को एक साल बाद हाई कोर्ट में ओवरटर्न कर दिया गया था लेकिन फिर भी सवाल उठते रहे कि ऊबर के जो ड्राइवर्स हैं वो कई बार बारह बारह तेरह तेरह घंटे गाड़ी में काम करते हैं ओवर वर्कड है उन्हें ढंग से इंश्योरेंस नहीं दी जा रही है और उन्हें प्रॉपर एम्प्लॉयज की तरह भी नहीं ट्रीट किया जा रहा है इसलिए हाल ही में सरकार नए रूल्स लेकर आई ऊबर ओला जैसी सर्विसेज के लिए यह कहा गया कि ऊबर को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने सारे ड्राइवर्स के लिए ये सर्च प्राइसिंग अपनी वन एक्स से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते और खुद का जो इन्हें कट मिलता है वो 20 परसेंट से ज्यादा कट नहीं ले सकते जो भी कमाई हो रही है यहाँ पे 80 परसेंट ड्राइवर के पास जानी चाहिए इसके साथ ही साथ किसी भी ड्राइवर को 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता तो ये रही है दुनिया भर में उबर के बिजनेस मॉडल की कहानी दोस्तों इसे दो तरीके से देखा जा सकता है एक तरफ लोग कह सकते हैं कि उबर एक ऐसी कंपनी थी जिसने इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन लाया टेक्नोलॉजी में उस वक्त की सिस्टम में कि सबके लिए टैक्सी राइड्स लेना और कन्वीनियंट बन गया और सस्ता बन गया और जो पुराना टैक्सी का सिस्टम चला आ रहा था उसमें एक रेवोल्यूशन की जरूरत थी जो उबर यहां पर लेकर आया लेकिन का किया। यहां पर यह बड़ी हुई और इतना डिस्ट्रप्शन इसने क्रिएट किया आपकी क्या राय यहां पर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए और यह भी बताइए कि अगर यह वीडियो पसंद आया तो ऐसे और कौन से बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन्स आप देखना चाहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद